दोस्तों UIDAI ने एक ऐसे सिस्टम को लॉन्च किया है जिसमें अब आपको अगर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है या आधार से रिलेटेड कोई भी काम करना है जहां आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पहले OTP की जरूरत पड़ती थी, वहां अपना जो है फेस दिखाकर अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यह अनाउंसमेंट जो है यहां पर UIDAI ने यहां पर जो है कर दिया है। इससे उसके बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, कैसे अपना आप फेस दिखा के अपना आधार को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपना जो फेस ऑथेंटिकेशन है किन किन योजनाओं में आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका। तो इसके लिए सबसे पहले योजना आपको मिलती है राशन कार्ड में, इसे आप यूज कर सकते हैं, जीवन प्रमाण में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, स्कॉलरशिप में आप इसे यूज कर सकते हैं, कोविन सर्टिफिकेट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आप जो किसान कल्याण योजना का लाभ पा रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। UIDAI ने यहाँ पर जो है इसको अपना जो है अपने ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल वीडियो जारी किया है, जिसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पर सब बताया गया है। अब इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर UIDAI ने यहाँ पर बताया है कैसे आप इसको आप यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो UIDAI है उसने यहाँ पर एक अपने एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार फेस RDF। यह आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। अब कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर इंटरेस्टिंग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख ही पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर बताया गया कैसे आपको अपना फेस यहाँ पर स्कैन करना है, किस तरीके से आपका फेस होना चाहिए, आपके फेस पर लाइट किस तरीके से होनी चाहिए, मतलब कि कैसे आपको वहाँ पर फेस दिखाया जिससे दिखाना है कि जिससे आपका ऑथेंटिकेशन वहाँ पर इजीली हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल आपको बताया ही गया है। वो प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल ही जाएगी जहाँ से आप यहाँ पर अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले सकते हैं, आधार फेस RDF नाम से मिल जाएगी। उसके बाद अपना अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है या आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको यहाँ पर कुछ भी अगर आपको यहाँ पर कुछ अगर अपडेट करना है, कुछ करना है जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर OTP की पड़ती थी जरूरत, आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता था, वहाँ पर अब आप क्या करेंगे अपना फेस ऑथेंटिकेशन दिखा के अपना यहाँ पर कोई भी अगर आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी अगर आपका काम है तो वहाँ पर आपको हो जाएगा। तो आपको UIDAI के इस अपडेट के बारे में क्या कहना है कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं।